Very good morning to all of you. I welcome you to this session of Basic Thermodynamics. In the last session, we have discussed the Carnot cycle and the Carnot principle as well as the absolute thermodynamic temperature scale. So almost theory part of second law of thermodynamics has been completed. We will now move to the numerical part. Okay. So today we are going to discuss some numericals on second law of thermodynamics and Carnot cycle as well. Okay, so let's start. So we have covered a lot of things in second law of thermodynamics, from a heat engine to a refrigerator and to Carnot cycle. इसके बीच में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है. Starting हमने जो second law की करी थी वो हमने हीट इंजन से ही करी थी. सो पूरी जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, शायद ही कोई टर्म है, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन की बात नहीं होती होगी. ठीक है, इफ वो अगर कोई न्यूमेरिकल है तो. नाउ विल बी सॉल्विंग फर्स्ट दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग. सो लेट स्टार्ट फर्स्ट विद दिस क्वेश्चन. A solar energy based heat engine which receives 80 kilojoule of heat at 100 degree centigrade and rejects 70 kilojoule of heat to the ambient at 30 degree centigrade is to be designed. The thermal efficiency of the heat engine. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है. 80 किलो जूल ऑफ हीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 किलो जूल ऑफ हीट इज टू बी रिजेक्टेड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज ओके टू इजी. इन दिस क्वेश्चन ही इज सेइंग दैट योर हीट इंजन इज रिसीविंग The heat engine is receiving heat from 80 kilojoule of heat at 100 degree centigrade and rejects 70 kilojoule of heat. तो अगर इन दोनों का नेट डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 10 kilojoule. और जो एफिशिएंसी होती है, ध्यान रखना उसने एफिशिएंसी बोला है, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं बोला है. ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा. एफिशिएंसी विल बी नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट इनपुट. ओके, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, आप देख लेना. 10/80, दिस विल बी इक्वल टू वन बाई एट एंड द एफिशिएंसी विल बी अराउंड 18.8%. The efficiency will be not 18.8%, it will be 12.5%. Okay, बहुत आसान था ये क्वेश्चन. तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, डोंट वरी, विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर इसके बाद विल बी मूविंग टू सम गुड क्वेश्चन. ओके, You just focus on the concept and look at what I am doing here. Okay? एक बार जब आप इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है. एफिशिएंसी, सीओपी, बहुत सारे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. बहुत स्कोरिंग होता है ये जो टॉपिक है. सो अ साइक्लिक हीट इंजन डज 50 किलो जूल ऑफ वर्क पर साइकिल. ठीक है, If the efficiency of the heat engine is 75%, the heat rejected per cycle. देखो, स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बना लो. ये स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. वो कह रहा है कि ये 50 किलो जूल ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है. 50 किलो जूल ऑफ वर्क हैज़ बीन प्रोड्यूस बाई दिस साइकिल एंड द हीट इंजन साइकिल एंड द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज 75%. So you know efficiency is 0.75 and efficiency is always equal to the net work transfer divided by या फिर net work output divided by Q in. और Q in लिखो, क्या है Q1 लिख दो,
इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द हीट रिजेक्टेड पर साइकिल, आपको क्यू ओ फाइंड करना है, ठीक है, क्यू ओ फाइंड करना है। तो पहले क्यू इन मिल जाए, फिर हम जो डब्ल्यू है इसके लिए रिलेशन लगाएंगे क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो यहां से आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर दो अननोन होंगे तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो आप ये जरूर दिमाग लगाएं कि दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास सारा डाटा होगा, अननोन भी होंगे, और उनको फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनानी आपको डाटा से आनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल नाउ। वैसे अगर इसका 75% ये कन्वर्ट कर पाया है तो बाकी इसका बचाव 25% ही जो होगा, इसका बचाव 25% ही इसका बचाव जो 25% है वो इसे लूज करना होगा। तो देखते हैं, क्यू इन विल बी इक्वल टू 50 by 0.75 की जगह आप लिख सकते हो 200 by 3, सो 50 इज इक्वल टू 200 by 3 माइनस क्यू आउट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिलेशन है वो जो आंसर है वो आ जाएगा, दैट विल बी अराउंड 50 by 3, दिस विल बी, ओह जब सॉल्व करोगे तो 50 by 3 के बराबर ही आने वाला है वैसे भी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 50 by 3। सो कॉन्सेप्ट देखो, मैं कैसे लिख रहा हूँ, डायग्राम कैसे बन रहा है, इक्वेशन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होने। कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम अभी। अब हम क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर। रेफ्रिजरेटर का भी आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, ये इसी का पार्ट है। अ कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट 120 kW। देखो मैं कंडेंसर आपको बताया, रेफ्रिजरेटर में चार डिवाइसेज होते हैं, एक होता है इवेपोरेटर के बाद होता है कंप्रेसर के बाद होता है यहाँ कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद होता है यहाँ पर आपका एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। कंप्रेसर में वर्क इनपुट दिया जाता है, इवेपोरेटर में हीट इनपुट, कंप्रेसर में वर्क इनपुट दिया जाता है, इवेपोरेटर में हीट इनपुट दिया जाता है, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट करवाई जाती है, और जो आपका ये है एक्सपेंशन वॉल्व, यहाँ से केवल एक्सपेंशन किया जाता है, यहीं पर हमें कूलिंग मिलती है, ठीक है। मतलब इसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है और कूलिंग आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये रेफ्रिजरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेफ्रिजरेटर का जो COP होता है, COP जो होता है वो होता है QI/WI, ठीक है। और अगर यहीं पर हीट पंप हो जाएगा, COP ऑफ हीट पंप वो हो जाएगा QO/WI, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट अ रेट ऑफ 120 kW व्हाइल कंप्रेसर कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 30 kW। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोला है ना इसने, हीट पंप नहीं बोला है, तो आपको देखना पड़ेगा। इसने क्यू आउट आपको दे दिया है 120 kW एंड डब्ल्यू इन दिया है इसने आपको 30 kW। तो आपको पहले क्यू इन फाइंड करना पड़ेगा जो रेफ्रिजरेटर को मिला है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था Q
out is equal to W in plus Q in. So what is the value of QO? 120, 30 plus QI, directly likh deta hu 90. Q1 is equal to 90 kilo watt. Now we have to find the COP. For COP, COP is 3. Let's see, there is an option. Yes, hai. तो आपका जो आंसर है वो डी हो गया. ठीक है, विल डू सम मोर क्वेश्चंस, स्टे विद मी. One more question. It is a good question. I will do some more questions in the next session also. This is a good question. Let's see what he is saying. A solar collector receiving solar radiation. Solar collector होता है. आपने देखे होंगे पैराबोलिक कलेक्टर, जो सोलर डिश भी बोला जाता है जिनको. सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन एट 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ट्रांसफॉर्म्स इट टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फ्लूड एट एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 50%. मतलब यहां से जो सन है वहां से रेडिएशन आ रही है, सन से रेडिएशन आ रही है और आपके जो सोलर कलेक्टर रखा है उस पर टकरा रही है 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर से. ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस कलेक्टर के अंदर यहाँ पर फ्लूड है, कोई इस कलेक्टर के अंदर फ्लूड भरा हुआ है. तो ये कलेक्टर का काम क्या है, जो यहाँ से रेडिएशन मिल रही है उसको यूज़ करके फ्लूड की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए. तो ये कह रहा है कि इसकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है, जो रेडिएशन इसे मिली और इसने उस रेडिएशन को इंटरनल एनर्जी में जब कन्वर्ट किया, तो इसमें इस प्रोसेस में जो इसकी एफिशिएंसी है वो 50% है. यानी अगर इसको 0.6 किलोवाट मिल रहा है तो जो फ्लूड को ये देगा वो क्या होगा, 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन का इतना पार्ट हो गया, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 50%. नाउ द फ्लूड इज हीटेड टू 350 केल्विन. मतलब ये फ्लूड का जो टेम्परेचर है वो 350 केल्विन हो चुका है इस हीटिंग प्रोसेस के दौरान. इसका जो टेम्परेचर है दैट हैज बीन raised to 350 Kelvin. Now the fluid is heated and is used to run a heat engine which rejects at heat at 313 Kelvin. तो अब आप इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास एक हीट इंजन है जो ऑपरेट होना है.